हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मितुज क्रिएटिविटी कॉर्नर, माय सेल्फ मितु। आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी हैंगिंग लैम्प बनाना बास्केट से। जीरो एक्सपेंस से मैं ये हैंगिंग लैम्प बनाऊंगी, सो यू कैन से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सो डोंट बी लेट, कम विद मी। लिए मैंने लिया है कुछ कलरफुल पेपर, ऑल पर्पस ग्लू लिया है मैंने, सीजर लिया है, पेंसिल लिया है मैंने एंड मल्टी कलर लाइट लिया है, और टू बास्केट मेरे पास छोटी छोटी बास्केट पड़ी हैं। ये रोप लिया है मैंने और कुछ उलन बॉल है मेरे पास। अगर आपके पास कलरफुल पेपर ना हो तो आप यूज कर सकते हैं वाइट कलर के पेपर और उसको कलर कर सकते हैं। देखिए मैं इसे कैसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके इस पर फ्लावर बना लूँगी, जो भी आपको शेप लेना हो बना सकते हैं, और इसको सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी तो एक साथ मुझे बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे इस तरीके से। देखिए कितने सारे फ्लावर हो गए मेरे पास। फिर मैं अलग अलग तरीके के शेप कट कर लूँगी। देखिए मैंने ये शेप कट कर लिया है, चार तरीके के शेप मैंने कट कर लिए हैं। अब मुझे 6 स्ट्रिंग लगाने हैं उसमें बास्केट में। इसके लिए मैंने इसे 6 इक्वल लेंथ के मैं स्ट्रिंग ले लूँगी। इसे स्ट्रिंग पे सारे शेप को अल्टरनेट मैं स्टिक कर दूंगी ग्लू की हेल्प से। आप किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए मैंने इस तरह से सारे को स्टिक कर दिया है। मैंने 6 स्ट्रिंग बनाई हैं, यू कैन सी। नाउ आई एम गोइंग टू टाई बोथ ऑफ दिस बास्केट विद द हेल्प ऑफ रोप, यू कैन सी लाइक दिस। मैंने 4 लिए हैं, फिर इसमें दूसरी वाली बास्केट में लगा के दोनों को मैं टाई कर दूंगी अच्छे से। मैंने टाई कर दिया है, यू कैन सी नाउ। एंड मैं उलन बॉल को इस पर स्टिक कर दूंगी ग्लू की हेल्प से, देन इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। देखिए मेरा ये ड्राई हो चुका है उलन बॉल। अब मेरे पास जो मल्टी कलर लाइट्स हैं, मल्टी कलर लाइट्स को मैं इसमें स्टिक कर दूंगी सेलो टेप की हेल्प से। मैंने ये चाइनीज़ लाइट लिया है, मेरे पास लास्ट दिवाली की पड़ी थी तो मैंने इसे यूज कर लिया है। आप चाहे तो होल्डर वाली एलईडी लाइट भी ले सकते हैं। और सारे स्ट्रिंग को मैं इसमें टाई कर दूंगी। यू कैन सी मैंने सारे को टाई कर दिया है इसमें। नाउ इट इज़ रेडी टू हैंग। अब मैंने 6 उलन बॉल लिया है और जहाँ पे मैंने टाई किया था वो दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं ये 6 उलन बॉल को लगा दूँगी जिससे वो टाई किया हुआ ना दिखे और थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे, फिनिशिंग अच्छी दिखे। नाउ इट्स रेडी, यू कैन सी इजंट इट लुकिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम जीरो एक्सपेंस। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।